गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके फेफड़े में बलगम बहुत ही दिनों से जमा हो रखा हो, आपको खांसी आ रही है जिसमें ज़ोरदार बलगम जो है आप निकालना चाहते हैं लेकिन बलगम निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, आपके लंग्स जाम पड़ गए हों, सही से आप सांस नहीं ले पा रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइज। इस वीडियो को रुक कर देखिएगा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने फेफड़ों के बलगम को निकाल सकते हैं, कैसे आप अपने फेफड़ों को साफ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो फटाक से, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फेफड़ों में बलगम जमा होना, फेफड़ों में पुरानी से पुरानी कफ को कैसे निकालते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो जो पुरानी कफ होती है ये एक आम रोग है जो आपके नाक, गले और छाती में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये देखिए, इस बीमारी में क्या होता है कि आपको खांसी आती है, बलगम आती है, होता है सांस लेने में कठिनाई होती है, आपको मतलब कि श्वसन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है आपको, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है, और सर्दी, खांसी, जुखाम या अस्थमा का ये कारण बनती है मेनली। देखिए, पुरानी कफ का कारण जो है आपके एटमॉस्फेयर से हो सकता है, जैसे आपके वातावरण में मतलब प्रदूषण हो या धूल हो या धूल मिट्टी हो, केमिकल हो, जहरीले धुएँ हो, तो किसी भी कारण से ये हो सकता है, आपके एरोसोल्स के माध्यम से ये फैलता है वायुमंडल में। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दोस्तों दिखाया है आपके, ये जो है एटमॉस्फेयर है, सो एटमॉस्फेयर में इसके बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसके कारण हो गया हो आपको इन्फेक्शन। तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए बात करते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, इस वीडियो को देखकर कॉपी ना करिएगा, और साथ ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दवा का इस्तेमाल करिएगा, डॉक्टर को दिखा के दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखिए, म्यूसिनेक 600 mg, इसमें जो है एसिटाइल सिस्टीन जो है इवरवेसेंट टैबलेट होता है 600 mg में मिला होता है, ये एक शुगर फ्री म्यूकोलाइटिक दवा है। ये क्या करता है, आपके जो बलगम होता है उस बलगम को पतला करने का काम करता है, जिससे खांसने पर वो बलगम आसानी से बाहर आ जाता है और वायु मार्ग साफ हो जाता है और सांस लेना आसान हो जाता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है गुड़ होते हैं, और ये एक तरीके का डिस्पर्सिबल टैबलेट है। इसको आपको करना क्या है कि पानी, एक गिलास वाटर ले लेना है और एक टैबलेट को आपको उसमें पानी में डाल देना है, और कुछ देर बाद वो टैबलेट जो है गल जाएगा, फिर उसको आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, अब सवाल ये उठता है। तो म्यूसिनेक 600 टैबलेट का उपयोग जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो श्वसन मार्ग होता है, कि विभिन्न स्थितियों जैसे मतलब बलगम बन जा रहा है, छाती में जकड़न है, कंजेशन है, तो इन सब में, या ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसेमा, सिस्टिंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस वाली स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको खाली पेट ले सकते हैं कि नहीं। तो म्यूसिनेक 600 को दिन में किसी भी समय डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर आप ले सकते हैं, भोजन के साथ या भोजन के बिना भी लिया जा सकता है, लेकिन इसे निर्धारित अवधि तक ही नियमित रूप से लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी दवा मैं बताता हूँ तो आपको यही बताता हूँ कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब डॉक्टर आपको कब प्रिस्क्राइब कर रहा है दवा खाने के लिए, तभी आप उस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है, तो आप ये टैबलेट को, मेरा काम है आपको बताना इस टैबलेट के बारे में कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट है, क्या इसका यूज़ है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट लेकिन आपको जो है उसको यूज़ करना है तो आप अपने डॉक्टर को, आप अपने एरिया के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिससे सलाह ले सकते हैं कि ये टैबलेट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं, चूँकि टैबलेट बहुत ही बेस्ट है। देखिए, एक सवाल और आपके मन में आता है कि जैसे मान लीजिए कि ये टैबलेट कैसे काम करेगा। तो देखिए, म्यूसिनेक 600 जो एवरवेसेंट टैबलेट है वो एक म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है, और ये बलगम को जो है आपके पतला करेगा, जिससे खांसते वक्त आपका बलगम आसानी से बाहर निकल जाएगा और आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो साफ हो जाएगा, सांस लेने में आसानी मिलेगी। तो ये सारी प्रक्रिया होती है जिससे ये काम करता है। गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप गर्म पानी के साथ लीजिए, चाहे आप नॉर्मल मशीन के पानी को चला कर ले लीजिए, या मतलब कि हल्का चिल्ड पानी से भी ले सकते हैं, आप उसको पानी में डाल लीजिए, घोल के पीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं आप इसको, इस दवा को।
अब देखिए इसके साइड इफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में सबसे पहले आपको नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, रैसेस निकल सकते हैं चेहरे पे, फीवर रहता है, गैसेस बन सकती है आपको, ड्रॉवनेस रह सकती है, थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकता है, चिल्स मिल सकती है मतलब ठंड लग सकती है, ब्रोंको स्पैस्म हो सकता है, स्किन आपकी खुरदरी या मतलब रैसेस निकल सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी कॉम्बिनेशन में कुछ और भी ब्रांड है जैसे ल्यूमिनेक है, ल्यूपिन कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है 600 एमजी में, म्यूसीविल 600 है और ये म्यूकोमिक्स ईटी, ये कुछ ब्रांडेड हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों में से किसी एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों के फॉर्मूले सेम है। तो गाइस ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, अपने एरिया में सभी जगहों पे जो निमोनिया से या किसी तरह लंग इन्फेक्शन से या कफ से परेशान हैं तो उनके लिए बेस्ट है ये मेडिसिन। और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।